हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्याम। स्वागत करता हूँ शान सर कंप्यूटर क्लासेस के वीडियो क्लासेस में। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने कहा था और सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप लाइव फेस के माध्यम से आप अपना वीडियो बनाइए, तो मैं फेस के माध्यम से अपना वीडियो लेकर आया हूँ आपके बीच। अगर आपको मेरी जितनी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ आपका लाइक ही मुझे प्रमोट करेगा, इसलिए आप लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा ये छठा वीडियो है और इस वीडियो क्लासेस में हम आज आपको बताने वाले हैं वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट, एक्सेस फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आप एमएस ऑफिस को सबसे पहले ओपन कर ले। ओपन करने के बाद यहां से कोई भी एक फाइल को आप ओपन कर लीजिए। किसी भी फाइल्स को अगर आप ओपन कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यह फाइल्स को ओपन किया है और इस फाइल्स को अगर हमको पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना होगा। तो देखिए, किसी भी फाइल को ओपन करने के बाद या किसी भी फाइल्स को लिखने के बाद आप मेनू बटन में जाए और लास्ट में एरो कॉप्ट होगा, एरो कॉप्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ होगी, यहाँ पे आप क्लिक करना है आपको। आप जैसे क्रिएट पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप जो पीडीएफ बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे व्हाट दे रहा हूँ और यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे ही वर्ड पीडीएफ सेव करते हैं तो आपकी एमएस वर्ड फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी और आप देख भी सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि जब वो एमएस वर्ड फाइल्स पीडीएफ में कन्वर्ट होती है तो थोड़ा समय लगता है और समय लेती है। तो आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन में अब जो फाइल एमएस वर्ड की थी वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। यह फाइल्स आपकी पीडीएफ में, आप देख सकते हैं यह फाइल आपकी पूरी पीडीएफ में। इसी प्रकार आप एक्सेल्स के भी किसी भी फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो या मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।